हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो बात करते हैं जहां पे इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 12वें मैच की जो कि खेला जाएगा सनराइजर हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच में। यह मैच आपको 31 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की अपडेट चाहिए, हमारी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 53% रहेगा और टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं बात करें इनका विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 63% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 67% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 172 है, तो वहीं पर सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 157 है। वहीं आगे बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में अभी तक टोटल 3 मैच खेले गए हैं, जिसमें से हैदराबाद 1 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर गुजरात 2 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी गुजरात टाइटंस का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। गुजरात ने जहां पहले ही मैच में चिर प्रतिद्वंदी मुंबई को हराकर जीत का आगाज किया, लेकिन अगले मैच में जहां पे पिट गई चेन्नई से। पिछले मैच में टीम की बैटिंग वीक देखी, टीम 143 रन पे ही सिमट गई थी। टीम में एक्सपीरियंस बैटर की कमी भी देखने को मिल रही है, जहां पे केन विलियमसन को अब तक प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिल रहा है। शुभम गिल और धीमन शाह टीम के लिए ओपन कर रहे हैं, गिल अब तक फ्लॉप चल रहे हैं। वहीं नंबर 3 पर जहां पे साई सुदर्शन टीम के लिए लीडिंग रन स्कोरर भी है, वहीं पे मिडिल ऑर्डर में जहां पे विजय शंकर, डेविड मिलर और अफगानिस्तान के अजमतुल्ला टीम को स्टेबल करेंगे। वहीं लो ऑर्डर में जहां पे फिनिशिंग में राहुल तिवतिया और आसिफ खान देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो यहां पे बॉलिंग भी फेल चल रही है, टीम ने 200 प्लस रन कंसीड किए थे, जहां पे स्पेंसर जॉनसन ने अब तक 3 विकेट लिए। वहीं पे उमेश यादव, मोहित शर्मा ज़्यादा विकेट नहीं ले पा रहे थे। राशिद खान एंड साई को सही स्पिन डिपार्टमेंट में अटैक करेंगे। अब बात करते हैं गुजरात का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे शुभम गिल, रिद्धिमान शाह, विजय शंकर, साई सुदर्शन है, डेविड मिलर है, राहुल तिवतिया, अजमतुल्ला, राशिद खान है, स्पेंसर जॉनसन है, मोहित शर्मा, उमेश यादव है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि शुभम गिल है, साई सुदर्शन है, उमेश यादव है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी हैदराबाद का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम ने तक बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए आगे बढ़ी है। पहले गेम में वहाँ 4 रन से हार गई, लेकिन अगले मैच में टीम आईपीएल इतिहास के सबसे बड़ा टारगेट बना दिया, मुंबई को 31 रन से भी हरा दिया। यहां पे हनी क्रासन अब तक दोनों मैच में बेस्ट बैटिंग करके सबका दिल जीत लिया। वहीं 2 मैच में जहां पे 143 रन बनाकर वह टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर भी है। जहां आईपीएल के दूसरे सबसे महंगे प्लेयर पैट कमिंग्स टीम के कप्तान है, वहीं पर ट्रेस अविट मयंक अग्रवाल टीम के लिए ओपन कर रहे हैं, जहां पर ट्रेविस ने 62 रन की तेज तरह इनिंग खेली थी। वहीं नंबर 3 पर अभिषेक शर्मा में 23 बॉल में 30 रन बनाया था। जहां पर मिडिल ऑर्डर में एडम मक्राम, हेनी क्लासन टीम के लिए प्लस पॉइंट है। टीम की बैटिंग बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है, जहां पर वाशिंगटन सुंदर अब तक चांस नहीं मिला है। वहीं बॉलिंग में बात करते हैं, यहां पर थोड़ी सी महंगी पड़ गई थी, जहां पर भुवनेश्वर कुमार अब तक दोनों गेम में लाइन में नहीं दिखे थे, उन्होंने 53 रन दिए थे और विकेट भी नहीं ले सके। जहां पर पैट कमिंस टीम के टॉप विकेट टेकर हैं, जहां पर मार्को जेनसन को लास्ट गेम में बाहर कर दिया गया था। वहीं स्पिन बॉलिंग में मयंक मार्कंडे, जयदेव उन्नाडे जो 147 रन देकर 2 विकेट लिए थे, जहां पर उमरान मलिक ने बस 1 ओवर में 1 बॉलिंग की थी। अब बात करते हैं हैदराबाद का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पर मयंक अग्रवाल है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, एडम मक्राम, हेनरी क्लासन, अब्दुल समद है, शहबाज अहमद है, मयंक मार्कंडे, भुवनेश्वर कुमार है, पैट कमिंग्स और टी नटराजन है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि अभिषेक शर्मा, हेनरी क्लासन और पैट कमिंग्स है। तो फाइनली दोस्तों हमने एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर यहाँ पे गुजरात टाइटंस होगा, यहाँ पे हैदराबाद को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।